हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव दुर्गा आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे और ये त्योहार आपके जीवन में बहुत सारी खुशहाली लेके आए। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, नवरात्र शुरू हो चुका है और यहाँ पर ये अच्छा समय होता है कोई भी शुभ काम करने के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना नायरा का छेदन कर दिया जाए इस टाइम पे। नायरा काफी बड़ी हो रही है और अभी सही वक्त है, फिर और ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो शायद उसे दिक्कत हो और वो दर्द हो तो वो कराए ना। अभी नायरा छोटी है और अभी जो वक्त है वो भी अच्छा चल रहा है, नवरात्र चल रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना नायरा का छेदन करा दिया जाए। और हमारे यहाँ ये परंपरा होती है, बहुत ही अच्छे से किया जाता है, लेकिन अभी मैं गाँव में नहीं हूँ तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम अभी यहाँ पर जाके बाहर इसका छेदन कर देंगे। अदरवाइज अगर हम गाँव में होते तो बहुत अच्छा फंक्शन होता, सेलिब्रेशन होता, सब कुछ होता, बट किसी कारणवश ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो जितना भी हो पा रहा है हम यहाँ पर उतना सेलिब्रेट करेंगे और नायरा को ले जाएंगे। नायरा रेडी, इधर आओ बेटा। चले छेदन कराएं आपका। हाय गाइस, आज आपको बहुत दिन हो गए, मैं घूमने नहीं गई थी तो मैंने सोचा आज वीडियो बना लो, तो आज मैंने वीडियो बना लिया। आज आपका क्या है, आज है क्या? इधर हो, सही। आज मैं छेदन करूंगी अपना। हम छेदन करने जा रहे हैं। छेदन करने जा रहे हैं? हाँ। पसंद है आपको छेदन करना? नहीं, दर्द नहीं होगा, फिर यहाँ पे पहन लेंगे ऐसे। तो गाइस, चलते हैं अभी नायरा को लेकर इसका छेदन कराने और उसके बाद हम मंदिर जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा सा पूजा करेंगे ताकि माता रानी का आशीर्वाद हम पर बना रहे। तो चलिए चलते हैं। तो हम आ चुके हैं डॉक्टर के पास और यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ नायरा के लिए इयर रिंग्स कौन सी अच्छी होगी, उसकी भी सलाह लिया है। चाचू को भेज देंगे, ठीक है? तुम्हारा थोड़ी, चाचू वाला है, बुआ को भी भेज देंगे। नायरा, अच्छा इस बार करते ही नहीं है, बस कोई ना करे, बोलो तो ना करे। कौन लेके आया तुमको जबरदस्ती यहाँ? बिलानी वाओ, डन, वेरी गुड, चल भेज दो। और इसके बाद हम घर के पास एक छोटा मंदिर था, हम वहाँ पर आए हैं दर्शन के लिए। यहाँ माता रानी का मंदिर भी है, भगवान भोलेनाथ और बजरंगबली सभी का मंदिर है। तो नायरा और उसकी मम्मा यहाँ पे पूजा कर रही हैं। कोई भी शुभ काम करने के लिए भगवान का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और हमारी बेटी अब बड़ी हो रही है, हमने उसका छेदन की सेरेमनी की है, तो इसके लिए हमें आशीर्वाद तो बनता ही है। इसके बाद नायरा को भूख लगी तो हमने बोला चलो पास में एक नया कैफ़े खुला है वहीं पर चलते हैं। और नायरा यहाँ पर आके काफ़ी खुश हो गई क्योंकि उसको यहाँ पर झूला मिल गया। तो यहाँ पर उसने झूला झूला और भूख कह रही थी लेकिन उसने ज़्यादा कुछ खाया नहीं, अपनी पसंद का सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ खाई जो कि उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। बाकी वो पूरा टाइम झूले पर ही लगी रही, पूरा मस्ती किया उसने। नायरा मज़े कर रही है लेकिन, है ना? पसंद आया? कान दिखाओ आपने, कान, अरे उस साइड, वेरी गुड। इसके बाद हमने सोचा क्यों ना नायरा के लिए न्यू ड्रेस ली जाए क्योंकि मैं ऑफिस में बिजी था, तो एक्चुअली हमें ये पहले लेना चाहिए था बट मुझे टाइम नहीं मिल पाया और मैंने कोई छुट्टी भी नहीं ली थी इसके छेदन के लिए। तो मैंने सोचा चलो अब मौका मिला है, जब बाहर निकले हैं तो नायरा को थोड़ी सी शॉपिंग करा देते हैं। और नायरा ने यहाँ पे अपनी पसंद की दो तीन ड्रेस ली तो मैंने भी बोला चलो आज ले लो, कोई बात नहीं, आज आपका दिन है और आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मौका है। तो नायरा को ड्रेस दिलाई और वो खुश हो गई। हाय गाइस, फाइनली हम वापस आ चुके हैं नायरा का छेदन करके। नायरा के कान हमने छिदवा दिए हैं और नायरा ज्यादा रोई भी नहीं, बहुत ही अच्छे से उसने ये सब करा लिया है और अभी नायरा बहुत प्यारी लग रही है, क्यूट लग रही है। छेदन करने के बाद आपने जैसे देखा मंदिर गए थे और उसके बाद हमने नायरा को एक छोटी सी ट्रीट भी दी है जो कि नायरा का पसंदीदा चीज थी, हमने उसको वो खिलाया और नायरा हैप्पी हो गई पूरी तरीके से क्योंकि उसको थोड़ा आंसू आ गए थे, रो तो नहीं रही थी बट उसके आंखों में आंसू भर गए थे और हमें पता चल रहा था कि इसको थोड़ा सा तो दर्द हो रहा है, तो हमने इसको थोड़ा सा प्यार किया और इसको थोड़ा सा इसकी पसंद की चीजें खिलाई। तो अभी मैं नायरा को दिखाता हूँ, बहुत ही क्यूट लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है नायरा बेटा। और नायरा बहुत खुश है अभी और मैं भी काफी खुश हूँ, नायरा का छेदन कर दिया, मुंडन किया था बहुत अच्छे से, छेदन भी हो चुका है। हालांकि मैंने बताओ कैसे किया था, कार्टून देख रही थी और नायरा का मुंडन कर दिया, नायरा को पता भी नहीं चला था ऐसा कुछ हुआ था, है ना? कोई भी नहीं, आप उधर देख रहे थे तो मैं पीछे अंकल को देखा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर हम गांव में होते तो बहुत अच्छा फंक्शन होता, बहुत ज्यादा अलग तरीके से होता, लेकिन अब शहरों की बात अलग होती है, यहाँ पे हमारे कोई रिलेटिव भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो हमने ऐसे कर दिया और मंदिर जाके आ गए, माता की पूजा करके आ गए, आसपास हमने लड्डू और मिठाई बांट दी है और नायरा भी अभी लड्डू खाएगी। तो भाई इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक आप सभी को नवरात्र की बहुत सारी बधाई, दशहरे की बधाई और आने वाली दिवाली की भी बहुत सारी बधाई। आप सब खुश रहिए, माता रानी आप सब पे कृपा बरसाए।
चलो बाय करो बेटा। जय हिंद भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। लाइक वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हम हमारी वीडियो को लाइक करें। आपको हमसे मिलना होगा तो नंबर से कॉल किया। नंबर पे कॉल करें, आपसे कौन मिलेगा बेटा अभी? मिलेगा सब लोग मन करेगा। चलो ठीक है नायर, आपको अगर नायर से मिलने का मन करेगा तो नायरा के नंबर पे कॉल कर दीजिएगा, ठीक है? 9686722। चलिए ठीक है, आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।